जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो हम हर रोज उपयोग करते हैं हमारे मोबाइल के साथ, ये एक विदेशी टेक्नोलॉजी है। तो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमें इस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होना, हमारे देश के सुरक्षा के लिए इस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होना हमें हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2016 तक हमारे देश ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेजे हैं, उन्हें नाभिक या IRNSS कहा जाता है। अब ये सैटेलाइट्स तो हमारे देश के ऊपर घूम रहे हैं, लेकिन उनसे जो सिग्नल आ रहा है उसे डिटेक्ट करने की जो चिप होती है वो अभी तक कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। तो IIT बॉम्बे में हमने ये टेक्नोलॉजी खुद डेवलप की है, मतलब शून्य से शुरुआत करके स्टूडेंट्स के साथ जो डेवलप की है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उसे उसका नाम है ध्रुव करके। तो अंतरिक्ष से ये जो सैटेलाइट्स या उपग्रह जो है वो करीबन 36,000 किलोमीटर तक दूर है हमसे, तो उनसे जो आने वाला सिग्नल जो रहता है वो काफी काफी वीक रहता है, बहुत ही वीक रहता है। तो वो सिग्नल हमारी चिप रिसीव कर सकती है और आजू बाजू का जो कचरा है वो सब निकाल के वो जो वीक सिग्नल है 4 लाख गुना उसे हम बड़ा करते हैं, और उसके बाद में इस जो एनालॉग सिग्नल रहता है उसे हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं बिट्स में, और वो जो सिग्नल जो डिजिटल बिट्स में आता है हमारी चिप से उसे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करके हम प्रोसेस करके हमारी लोकेशन बता सकते हैं। यह प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे MeITY कहते हैं, उन्होंने फंडिंग किया है इस प्रोजेक्ट के लिए IIT बॉम्बे को। और इस प्रोजेक्ट के जरिए हमने SAC ISRO उनसे भी काफ़ी बातचीत की है, जिससे हम उसके चिप बनाने के स्पेसिफिकेशंस ठीक से तैयार कर सकें। आपको एक उदाहरण देता हूँ जिससे इस प्रोजेक्ट का महत्व आपको समझ में आए। समझ लीजिए कि BBC उनके प्रोग्राम्स ट्रांसमिट कर रही है रेडियो वेव्स के जरिए, और आपके पास रिसीवर है आपके घर में, उससे आप वो प्रोग्राम को सुन सकते हैं। तो अभी ये तो बात खाली एक रेडियो स्टेशन की हो गई। तो हमारे देश ने भी, अगर समझो, विविध भारती प्रसारित चालू करना चालू किया, लेकिन उस विविध भारती स्टेशन को या आकाशवाणी को सुनने के लिए हमारे पास रिसीवर नहीं है। तो यही मतलब हम इसे उसी तरह से कंपेयर कर सकते हैं। जो GPS रिसीवर है, GPS सैटेलाइट्स जो ऑलरेडी हवा में, जो GPS सैटेलाइट्स जो हमारे देश के ऊपर घूम रहे हैं, उनका सिग्नल तो हम सुन सकते हैं हमारे मोबाइल में जो करंटली जो चिपसेट्स अवेलेबल है उनसे कर सकते हैं। लेकिन नाविक के या हमारे देश ने जो सैटेलाइट्स भेजे हैं उनके जो सिग्नल्स हैं वो हम जांच नहीं कर सकते, हम सुन नहीं सकते, उनको देख नहीं सकते। तो इस चिप के जरिए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट चालू किया था। प्रोजेक्ट का नाम है ध्रुवा। ध्रुवा मतलब आपको तो पता रहेगा, नॉर्थ स्टार। वैसे ही ये हमें दिशा दिखाने वाला एक प्रोजेक्ट है। तो जब हमने इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए शुरुआत की थी, तो उस वक्त हम केवल भारतीय सैटेलाइट्स या उपग्रह का जो सिग्नल है उसे डिटेक्ट करने के लिए हम निकले थे। लेकिन हमने जब इस पे बहुत सारा विचार विमर्श किया, तब हमने सोचा कि क्यों ना हम पूरी दुनिया के सारे सैटेलाइट्स जो इस उपयोग के लिए यूज किए जाते हैं नेविगेशन के लिए, उन सबके सिग्नल्स हम डिटेक्ट कर सके। क्योंकि एक सैटेलाइट सिस्टम का तो सब लोग कर रहे हैं, तो हमें कुछ डिफरेंट करना था, हमें कुछ अच्छा करना था हमारे स्टूडेंट छात्रों ने छात्रों को। तो हमने ये सोचा कि शायद हम कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ तो नया करते हैं, और इसके लिए हमने ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो सभी टाइप के, मतलब एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन के लिए चिप बनाई है, जो किसी भी टाइप के सैटेलाइट जो नेविगेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं उनका सिग्नल मतलब डिटेक्ट कर सके। तो ये हुई बात हमारे ध्रुव की।
ये ध्रुव चिप है, इसका मुख्य उद्देश्य एक कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए किया गया है। कमर्शियल एप्लीकेशंस का मतलब जो हम हमारे सेलफोन्स में या कोई पब्लिक यूटिलिटी व्हीकल्स जो भी बसेस है उनमें लगा सकते हैं, जिससे हम नॉर्मल नेविगेशन जो करना है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक हमारे सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूज़ करना है, कहीं भी कहीं मतलब सुरक्षा के लिए अगर इसे उपयोग करना है, तो इसके लिए उसके आगे वाला जो बहुत डिफिकल्ट काम है वो करना पड़ेगा। लेकिन समझ लो कि ये चिप एक ऐसी शुरुआत है जिसमें जिससे हम एक महत्वपूर्ण दिशा में जा रहे हैं, जहां हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और आने वाले समय में बहुत सारे लोग इस टेक्नोलॉजी को आगे डेवलप कर सकते हैं और हमारे मोबाइल फोन्स में प्रयोग कर सकते हैं। मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ, RF डिज़ाइन, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, हर सेमेस्टर में RF और एनालॉग डिज़ाइन के कोर्सेज सिखाता था। तो उस वक्त हमने प्रोजेक्ट के जरिए नेविक के बारे में स्टूडेंट्स को बताया, तो स्टूडेंट्स बहुत 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 ही उन्होंने उत्साह दिखाया, और उत्साह की वजह से हमने नेविक की टीम एक तैयार की 12 छात्रों की। और ये छात्र मेरी हमारी एक प्रयोगशाला है, यहाँ वहाँ काम करते हैं, और उन्होंने सब सीख के एकदम जिसे हम ग्राउंड जीरो से चालू किया है काम, और सब चीज़ें सीख के ये चिप करीबन 18 महीने में बनाई है। अगर आप इंडस्ट्री सेटिंग में देखें तो प्रोफेशनल इंजीनियर्स जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें करीबन 9 महीने लगते हैं हर चिप को बनाने के लिए। मतलब शुरुआत से जिसे हम टेप आउट करते हैं, टेप आउट में आप चिप फैब्रिकेशन के लिए भेजते हैं, तो यहाँ बच्चों ने सीख के 18 महीने में ये एक चिप बनाई है। और ये चिप कोई प्रोफेशनल चिप से कम नहीं है, इसमें सारी टेस्टेबिलिटी रखी हुई है, ESD प्रोटेक्शन है, और मतलब सब जो रेफरेंस सर्किट्स हम जिसे कहते हैं उनका उपयोग करके हम इस चिप को -40 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो एक कमर्शियल चिप में रहती है वो इन्होंने इस चिप में मतलब उसका उपयोग किया हुआ है। तो ये चिप हम इसे किसी भी एप्लीकेशन में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं टेस्टिंग करने के बाद में। तो ये चिप की बहुत अच्छी विशेषता है कि बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने ये 18 महीने में बिगिनिंग से एंड तक फिनिश किया। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि ये हमारी जो टीम है वो अभी इतनी अच्छी तरह से ट्रेन हो गई है कि हर टीम का जो मेंबर है वो एक खुद अपनी स्टार्टअप इस एरिया में कर सकता है। मुझे इसका पूरा यकीन है, एक यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि वो भी दूसरे किसी क्षेत्र में भी ऐसे काम कर सकते हैं। आगे करना क्या है, आगे हम इस चिप को आगे लेके एक और एक एडवांस चिप बनाने वाले हैं, और इस क्षेत्र में चिप का जो एरिया या क्षेत्रफल कहते हैं, क्षेत्रफल से कीमत तय होती है, तो इसका क्षेत्रफल एरिया जो कहते हैं हमें हम जरूर कम कर सकते हैं, ताकि इस चिप की कीमत आधे से कम हो जाए। और इस चिप को या इसकी जो टेक्नोलॉजी है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसे हम किसी बड़े चिप में भी डाल के उसका उपयोग कर सकते हैं, हर क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में एक हमारी टीम जो है उसमें से कई लोग कोविड पे भी काम कर रहे हैं, होपफुली 6 महीने बाद हमें इस क्षेत्र में यश आ जाए और वापस मैं आपके सामने आ जाऊँ और आपको इस कोविड सॉल्यूशन पे जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में बताऊँ। धन्यवाद।